हेलो फ्रेंड्स, आज आम ओडिया ग्रामर रो किछ इम्पोर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ये भिडियोटी आपंकर अपकमिंग ओटीटी एग्जाम पे बहुत ही हेल्पफुल रहा। सो चलो स्टार्ट करिया किछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहला ऋणी शब्दर विपरीत शब्द पचारा, तो ऋणी शब्दर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए कहला दानी, बी कहला अनऋण, सी कला निर्धन, डी कला अनुरूत। ताले ऋणी शब्दर विपरीत होगा आम अनुण, ऑप्शन बी है जो राइट आंसर अनुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पद्मनाभ शब्दी किपर सृष्टि होती। ऑप्शन ए कला पद्मनाभी जहाँ कर से, ऑप्शन बी कला पद्म लाभ करे से, ऑप्शन सी कला नाभी जार पद्म परी से, ऑप्शन डी कला नाभी पद्म सृष्टि हो जार से। ताल आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मनाभी जहाँ कर से, ताल पद्मनाभी जहाँ कर से हो पद्मनाभ, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्राप्ति अर्थ में मय शब्द लग जाए गत शब्दी को बाछ, ताल प्राप्ति अर्थ में मय शब्द, ताल प्राप्ति ऑप्शन ए कला बाड़मय, बी कला विषुमय, सी कला चिन्मय, डी कला सुखमय। ताल प्राप्ति अर्थ में मय शब्द लगे ये सुखमय, ऑप्शन डी है राइट आंसर सुखमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विद्वान लोक मैंने सबुठार आदर पाती, ताल विद्वान लोकटे लोक मैंने सबुठार आदर पाती, ताल यहाँ ऑप्शन ए कला क्रियापद, बी कला अवयपद, सी कला सर्वनाम पद, डी कला विशेषण पद। ताल आंसर है ऑप्शन नंबर डी विशेषण पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चमाकर शब्दर समार्थबोधक शब्द, ऑप्शन ए कला सुना, बी कला रूपा, सी कला सुनाखणी, डी कला कुहाखणी। ताल आम आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनाखणी, चमाकर शब्दर समार्थबोधक शब्द होगी सुनाखणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एकाधिक वर्ण मिसी अर्थ प्रकाश कले कौन कहुए, ताल एकाधिक वर्ण मिसी अर्थ प्रकाश कले कौन कह, ऑप्शन ए कला ध्वनि, बी कला वाक्य, सी कला लिपि, डी कला शब्द। ताल एकाधिक वर्ण मिसी अर्थ प्रकाश कले कह शब्द, ऑप्शन डी है राइट आंसर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्याप्ति अर्थ में व्यवहृत परी उपसर्ग, ताल व्याप्ति अर्थ में परी उपसर्ग लगे, ऑप्शन ए कला परिसमाप्ति, बी कला पर्याप्त, सी कला परिसर, डी कला परिव्यस्त। ताल व्याप्ति अर्थ में परी उपसर्ग, ऑप्शन डी है राइट आंसर परिव्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कर्ता अनुसार कहार पुरुष और वचन परिवर्तन होता है, ताल कर्ता अनुसार कहार पुरुष और वचन परिवर्तन हुए ना, ऑप्शन बी है राइट आंसर क्रिया, ताल कर्ता अनुसार क्रियार पुरुष और वचन परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अनुलोमर विपरीत शब्द पचारा, ऑप्शन ए कला प्रतिलोम, बी कला विलोम, सी कला सलोम, डी कला निर्लोम। ताल अनुलोमर विपरीत होगा आम प्रतिलोम, ऑप्शन ए है राइट आंसर प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्रूद प्रत्यय शेषे थाई जो शब्द गठित होता है कौन कहुए, ताल क्रूद प्रत्यय शेषे थी जो शब्द गठित हुए कौन कह, ऑप्शन ए कला समास, बी कला क्रुदंत, सी कला तद्धित, डी कला संधि शब्द। ताल क्रूद प्रत्यय शेषे थी जो शब्द गठित हुए कह क्रुदंत, ऑप्शन बी है राइट आंसर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउंटी एक देशज शब्द, ऑप्शन ए कला रेलबाई, बी कला शिरस्ता, सी कला माखन, डी कला मुर्दार। ताल देशज शब्द हूँ माखन, ऑप्शन सी है राइट आंसर माखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बध धातु व्यवहार कराइए उपसर्गयुक्त शब्द बाछ, ताल बध धातु व्यवहार होता है उपसर्गयुक्त शब्द कौटा, ऑप्शन ए कला अपवाद, बी कला अपस्थान, सी कला अपकार, डी कला आगमन। ताल बध धातु व्यवहार होती है अपवाद, ऑप्शन ए है राइट आंसर अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गल ग्रह रूढ़ीर अर्थ निरूपण कर, ताल गल ग्रह रूढ़ीर अर्थ कौन, ऑप्शन ए कला प्रिय व्यक्ति, बी कला श्रमिक, सी कला अवस्थित व्यक्ति, डी कला शिशु। ताल गल ग्रह रूढ़ीर अर्थ होती है अवस्थित व्यक्ति, ऑप्शन सी इज राइट आंसर अवस्थित व्यक्ति। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला दिनकू राति करिवा रूढ़ीर अर्थ कौन, ताल दिनकू राति करिवा रूढ़ीर अर्थ कौन, ऑप्शन ए कला एपट सेपट होगा, बी कला उल्टाइबा, सी कला सतक मिछरे परिणत करिवा, डी कला तिलकू ताल करिवा। ताल दिनकू राति करिवा माने होजी सतक मिछरे परिणत करिवा, ऑप्शन सी हिजिव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गुणवाचक विशेषर गुण कहले कौन बुझे, ऑप्शन ए कला भल गुण, बी कला मंद गुण, सी कला उभय भल और मंद, डी कला विशेष गुण। ताल गुणवाचक विशेषर गुण कहले कौन, ऑप्शन सी है राइट आंसर उभय भल और मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जितेन्द्रिय शब्दर विपरीत शब्द कौन, ताल जितेन्द्रियर विपरीत पचारा, ऑप्शन ए कला अजितेन्द्रिय, बी कला अइंद्रिय, सी कला इंद्रियासक्ता, डी कला इंद्रजित। ताल जितेन्द्रियर विपरीत है इंद्रियासक्ता, ऑप्शन सी है राइट आंसर इंद्रियासक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आत्मज शब्दी किपर गठित होती, ऑप्शन ए कला आत्मयुक्त जन युक्त अ, बी कला आत्माजुक्त जयुक्त अ, सी कला आत्मा आयुक्त मयुक्त ज, डी कला आत्मानुक्त जयुक्त। ताल आत्मज शब्द किपर गठित होती ना, ऑप्शन ए है राइट आंसर आत्मयुक्त जन युक्त अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अधिकार अर्थ में दास प्रत्यय जोगर गठित शब्द, ताल अधिकार अर्थ में दास प्रत्यय, ऑप्शन ए कला मजादार, बी कला चौकीदार, सी कला जमीदार, डी कला दफादार। ताल अधिकार अर्थ में दास प्रत्यय होगा जमीदार, ऑप्शन सी है राइट आंसर जमीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
क्रियापदर शेष को लगी वर्ण बा वर्ण समष्टि को कौन कहुए तो क्रियापदर शेष को लगी वर्ण बा वर्ण समष्टि को कौन कहुए ना क्रिया विभक्ति कहुए ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्रिया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द्रोणी एकक समार्थबोध शब्द लेखा था द्रोणीर समार्थबोध शब्द पचारा ऑप्शन ए कला अश्वत्थमा बी कला जलकुंड सी कला सान डंगा डी कला कर्ण तो द्रोणी एकक समार्थबोध शब्द हूँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर अश्वत्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य केउटी तद्भव शब्द ताल तद्भव शब्द कौटा पचारा ऑप्शन ए कला सर्प बी कला माटी सी कला भगिनी डी कला बाद्य तद्भव शब्द होउची माटी ऑप्शन बी इज राइट आंसर माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रतिकार उपसर्गयुक्त शब्द रे केउ धातु व्यवहृत ताल प्रतिकार रे व्यवहृत धातु कौटा ना क्रु ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चालीसा धरवा रूढ़ अर्थ कौन ताल चालीसा धरवा माने हूँ कौन ना ऑप्शन ए कला आखि बी कला जात सी कला अंधार डी कला आलोक चालीसा धरवा माने यहाँ के अक्षर सांगे के शब्द सांगे ये संपर्कित ना आखि सांगे संपर्कित यहाँ चालीसा धरवा माने आखि सांगे संपर्कित तापर वृथा प्रार्थना अर्थ व्यक्त करुवा मानटा पचारा तेल वृथा प्रार्थना अर्थ कौन ना अरण्य रोदन ऑप्शन सी इज राइट आंसर अरण्य रोदन हूँ वृथा प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहुए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए कला शब्द बी कला क्रिया सी कला पद डी कला अक्षर ताल वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहा जाए ऑप्शन सी इज राइट आंसर पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नैसर्गिक शब्दर विपरीत शब्द ऑप्शन ए कला प्राकृतिक डी कला स्वाभाविक सी कला कृत्रिम डी कला वैज्ञानिक ताल नैसर्गिक विपरीत हूँ आम कृत्रिम ऑप्शन सी इज राइट आंसर नैसर्गिक कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौन शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ एवं वास्तव अर्थ समान कौन कहुए ताले गोटे शब्दर जदि व्युत्पत्तिगत अर्थ आउ वास्तव अर्थ समान हे ताको कह जैविक शब्द ऑप्शन बी है राइट आंसर जैविक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्याप्ति अर्थ में मय प्रत्यय कराइता शब्द ताले व्याप्ति अर्थ में मय प्रत्यय कौन ना जलमय ऑप्शन ए है राइट आंसर व्याप्ति अर्थ में मय प्रत्यय जलमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुले एठारे क्रिया पदटी केउ काल बोली कहु ताले पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुले ऑप्शन ए कहला अतीत काल बी कहला वर्तमान काल सी कहला भविष्य काल डी कहला संपूर्ण वर्तमान काल ताले पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुले एटा होची आमर वर्तमान काल ऑप्शन बी इज राइट आंसर वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन गोलक शब्दर समार्थबोध शब्द ऑप्शन ए कहला गोलाकार वस्तु बी कहला निशु सी कहला इंद्रपुरी डी कहला पारिजात ताले गोलकर गोलकर समार्थबोध शब्द हूँ निशु ऑप्शन बी इज राइट आंसर निशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ओडिया भाषार ध्वनि गुड़िक केते भाग विभक्त ताले ओडिया भाषार ध्वनि गुड़िक केते भाग विभक्त होती ऑप्शन ए कला चार बी कला पाँच सी कला तीन डी कला दुई ताले ओडिया भाषार ध्वनि गुड़िक केते भाग विभक्त ऑप्शन डी इज राइट आंसर दि भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निदारुण शब्द रे केउ उपसर्ग व्यवहृत होती ऑप्शन ए कला सम बी कला नी सी कला निदा डी कला अप ताल निदारण शब्द रे उपसर्ग होती कौन ना नी ऑप्शन बी है जो राइट आंसर नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए ताल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्रियार मूलपिंड कौन कहुए ऑप्शन ए कला कर्म बी कला कर्ता सी कला धातु डी कला प्रत्यय ताल क्रियार मूलपिंड को धातु कहुए ऑप्शन सी है जो राइट आंसर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा उत्तम शब्दर विपरीत शब्द ऑप्शन ए कला उत्तमर्ण डी कला अधमर्ण सी कला अनर्थ डी कला अधम ताल उत्तम शब्दर विपरीत शब्द कौन ना अधम ऑप्शन डी है जो राइट आंसर अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कृदंतर धातुर अन्य नाम कौन ऑप्शन ए कला प्रत्यय डी कला विभक्ति सी कला प्रकृति डी कला उक्ति ताल कृदंतर धातुर अन्य नाम हूँ आम प्रकृति ऑप्शन सी है जो राइट आंसर प्रकृति कृदंतर धातुर अन्य नाम हूँ प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउंटी कंठ्यध्वनि नुहे पचारा ताल कंठ्यध्वनि कौटा नुहे ऑप्शन ए कहला क बी कला ह सी कला इ डी कला ताल कंठ्यध्वनि नुहे कौटा ना इ ऑप्शन सी है जो राइट आंसर इ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा संचार उपसर्गयुक्त शब्द रे केउं धातु व्यवहृत हुए ताल संचार उपसर्गयुक्त शब्द रे केउं धातु व्यवहृत हुए ऑप्शन ए कला सन बी कला स्था सी कला सम डी कला चर ताल आमर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिया पोड़ा तीयण रूढ़ीर अर्थ कौन ऑप्शन ए कला अधापोड़ा तरकारी बी कला छिड़ी जाइया संपर्क सी कला अपभलिया डी कला नाम शैली न पचारा ताल आमर आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर छिड़ी जाइया संपर्क ताल पोड़ा तीयणर अर्थ हूँ छिड़ी जाइया संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आखिरे धूली देवा रूढ़ीर अर्थ कौन ऑप्शन ए कला प्रसय देवा डी कला जीवन उत्सर्ग करवा सी कला चलिया डी कला बोल करवा ताल आखिरे धूली देवा मान हूँ चलिया ऑप्शन सी इज राइट आंसर चलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
दया क्षमा स्नेह क्षमता कि प्रकार विशेष ताल दया क्षमा स्नेह ममता युटा कि प्रकार विशेष ऑप्शन ए कला व्यक्तिवाचक बी कला वस्तुवाचक सी कला जातिवाचक डी कला गुणवाचक ताल दया क्षमा स्नेह और ममता ये हूँ गोटे गोटे गुण ऑप्शन डी है जो राइट आंसर गुणवाचक विशेष ऑप्शन डी है जो राइट आंसर। क्वेश्चन देखिया वाक्यर शेष में क्यों पदटे रहे वाक्यर शेष में कौन रहे ऑप्शन ए कला कर्म बी कला कर्ता सी कला क्रिया डी कला उद्देश्य ताल वाक्यर शेष में कौन रहे ना क्रिया ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया रामचंद्र रावण को वध करते एठार क्रियापद क्यों ऑप्शन ए कला रामचंद्र बी कला रावण सी कला बध डी कला करते रामचंद्र रावण को वध करते क्रियापद है ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अक्षय गोटे भल गीत गाइले वाक्यर कर्मपद टीए किए ऑप्शन ए कला अक्षय बी कला भल सी कला गीत डी कला गाइले ताले अक्षय गोटे भल गीत गाइले एठार कर्म होगा आमर गीत ऑप्शन सी है राइट आंसर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पंडित शिष्य मानक उपदेश दे रेखांकित पद कि प्रकार पद ताले पंडित शिष्य मानक उपदेश दे ऑप्शन ए कहला गौणकर्म बी कहला मुख्य कर्म सी कहला दुई कर्मक डी कहला सकर्मक ताल पंडित शिष्य मान उपदेश देटा आम हो गौणकर्म ऑप्शन ए हो राइट आंसर गौणकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्य संबोधन पद क्यों रखा जाए ऑप्शन ए कहला केवल आरंभ में बी कहला केवल शेष में सी कहला आरंभ में शेष में डी कहला रखा जाए ना तो वाक्य संबोधन पद क्यों रखा जाए ऑप्शन सी है जो राइट आंसर आरंभ रे बा शेष रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया मते शक्ति दियो प्रभु वाक्य रे केउटी संबोधन पद होते ऑप्शन ए कहला मते बी कहला शक्ति सी कहला दियो डी कहला प्रभु ताले मते शक्ति दियो वाक्य रे केउटी संबोधन पद ना ऑप्शन डी है जो राइट आंसर प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया चतुर लोक सबुठी जितंती रेखांकित पदटी की प्रकार ताले ऑप्शन ए कहला विशेष्य बी कहला विशेषण सी कहला मुख्य कर्म डी कहला गौण कर्म ताले चतुर लोक सबुठी जितंती एटा हमर हिजो विशेषण ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्य रे विशेषण पद केउठार बसे ऑप्शन ए कहला विशेष्य पद पूर्वरु बी कहला विशेष्य पद परे सी कहला बसे नाही डी कहला कर्ता परे ताले वाक्य रे विशेषण पद हमर विशेष्य पद पूर्वरु बसे ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर विशेष्य पद पूर्वरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला सकाळे काम आरंभ हुए वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य रे परिणत कर ताले सकाळे काम आरंभ हुए ऑप्शन ए कहला सकाळे काम हुए कि ऑप्शन बी कहला सकाळु आरंभ कर ऑप्शन सी कहला सकाळे काम आरंभ हुए नाही ऑप्शन डी कहला सकाळे काम करिबा उचित ताले सकाळे काम आरंभ हुए वाक्य को नास्तिवाचक कले कोन हबो ना सकाळे काम आरंभ हुए नाही ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला न एही पदटी वाक्य रे केउठारे बसे ऑप्शन ए कला वाक्यर आरंभ रे बी कला क्रियापद परे सी कला क्रियापद पूर्वरु डी कला क्रियापद परे ताले न एही पदटी वाक्यर केउठारे बसे ना ऑप्शन सी है जो राइट आंसर क्रियापद पूर्वरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला केउ वाक्य रूपटी प्रकारजक रूप अटे प्रकारजक रूप रूप अटे ताले केउ वाक्य रूपटी प्रकारजक रूप रूप अटे ऑप्शन ए कहला सरल वाक्य बी कहला जटिल वाक्य सी कहला प्रश्नसूचक वाक्य डी कहला जैविक वाक्य तो हमारे आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नसूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों वाक्य रूपटी गठनात्मक रूप अटे ऑप्शन ए कहला बृद्धि सूचक बी कहला विस्मय सूचक सी कहला नास्ति सूचक डी कहला मिश्र वाक्य ताले क्यों वाक्य रूपटी गठनात्मक रूप अटे ना ऑप्शन डी है जो राइट आंसर मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला मरु क्यों संयोजक अवयव नुहे निम्नतरु केउटी संयोजक अवयव नुहे ऑप्शन ए कहला मात्र बी कहला प्रकृति सी कहला किंतु डी कहला ताल हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निम्नोक्त केउ वाक्य रूपटी गठनात्मक रूप नुहे ऑप्शन ए कहला सरल वाक्य बी कहला विस्मयसूचक वाक्य सी कहला जैविक वाक्य डी कहला जटिल वाक्य ताल हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्मयसूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निर्दिष्ट विषयक वक्तव्य प्रकाश करुवा वाक्य को कौन कहा जाए ऑप्शन ए कहला बृत्ति सूचक वाक्य बी कहला आदेश सूचक वाक्य सी कहला विस्मय सूचक वाक्य डी कहला वक्तव्य सूचक वाक्य ताल हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए बृत्ति सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अनुरोध भाव प्रकाश करुवा वाक्य को कौन कहा जाए ऑप्शन ए कहला आदेश सूचक वाक्य बी कहला अनुरोधमूलक वाक्य सी कला अनुरोध सूचक वाक्य डी कला नास्ति सूचक वाक्य ताले अनुरोध भाव प्रकाश करुवा वाक्य को आमर आदेश सूचक वाक्य कहा जाए ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर आदेश सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कौन सी प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को कौन कहा जाए ताले कौन सी प्रश्नर
सूचना प्रदान करुवा वाक्य को आम कौन कह जाए ऑप्शन ए कला प्रश्नवाच्य वाक्य बी कला प्रश्न सूचक वाक्य सी कला प्रश्न मूलक वाक्य डी कला प्रश्न सूचित वाक्य कौन प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को प्रश्न सूचक वाक्य क्या जाए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आश्चर्य भाव प्रकाश करुवा वाक्य को क्यों वाक्य क्या जाए आश्चर्य भाव प्रकाश करुवा वाक्य कौन कह ऑप्शन ए कला विभूति सूचक वाक्य बी कला अनुरोध सूचक वाक्य सी कला प्रश्न सूचक वाक्य डी कला विस्मय सूचक वाक्य आश्चर्य भाव प्रकाश करुवा वाक्य को आम प्रश्न सूचक वाक्य क्या जाए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निश्चेतन शब्दर विपरीतार्थबोधक शब्दवाच्य ऑप्शन ए कला अचेतन बी कला अवचेतन सी कला चेतन डी कला चिंतन निश्चेतन शब्दर विपरीत शब्द होगा कौन चेतन ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जादव शब्दी क्यों अर्थर तद्धित शब्द होप्शन ए कला भाव सम्बन्धी बी कला भावार्थे सी कला अपत्य अर्थे डी कला विकरार्थे जादव शब्दी क्यों अर्थर तद्धित होना ऑप्शन सी हो राइट आंसर अपत्य अर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकृति अर्थर उआ प्रत्यय जोगे गठित शब्द को बाछ प्रकृति अर्थर उआ प्रत्यय ऑप्शन ए कला बणुआ बी कला अषाढ़ुआ सी कला घरुआ डी कला मनुआ प्रकृति अर्थर उआ प्रत्यय होगा आम रही है मनुआ ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पवन अति धीरे बहुत एटारे अति कि प्रकार विशेषण पवन अति धीरे बहुत जो अतिटा देटा कि प्रकार विशेषण ऑप्शन ए कला विशेषण विशेषण बी कला क्रिया विशेषण विशेषण सी कला क्रिया विशेषण डी कला वाक्य विशेषण पवन अति धीरे बहुत ये आम हो क्रिया विशेषण विशेषण ऑप्शन बी हो राइट आंसर क्रिया विशेषण विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हस्ती शब्दर समार्थबोधक शब्द बाछ हस्ती शब्दर समार्थबोधक शब्द कौटा ऑप्शन ए कला द्वीप बी कला द्वीप तापर सी कला द्यूत डी कला दिन हस्ती शब्दर समार्थबोधक शब्द होगा द्वीप ऑप्शन बी हो राइट आंसर द्वीप दरे हर्षिकार दिज्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला निम्नोक्त क्योंटी एक संघर्ष ध्वनि ऑप्शन ए कला क बी कला ख सी कला ग डी कहला स ताले क्योंटी एक संघर्ष ध्वनि ना ऑप्शन डी हो राइट आंसर दंतेश दंतेश हूँ गोटे संघर्ष ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कही क्योंटी क्यों उपसर्गटी वैदेशिक भाषा आम भाषा को आसी ऑप्शन ए कला आ बी कला उप सी कला फी डी कला अति क्यों उपसर्गटी वैदेशिक भाषा आम भाषा को आसी ऑप्शन सी हम राइट आंसर फी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोपाल हसुअच यटार हसुअच कि प्रकार क्रियापद ऑप्शन ए कला सकर्मक बी कला अकर्मक सी कला समापिका डी कला असमापिका गोपाल हसुअच हसुअच जो होगा यहाँ हूँ आम अकर्मक क्रियापद ऑप्शन बी हो राइट आंसर अकर्मक क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्यमान शब्दर विपरीतार्थबोध शब्दी कौन ऑप्शन ए कला नवीन बी कला असीम सी कला अग्रगामी डी कला अस्तगामी उद्यमान शब्दर विपरीत शब्द कौन ना अस्तगामी ऑप्शन डी हो राइट आंसर अस्तगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला साहित्य कि प्रकार शब्द ऑप्शन ए कला देशज बी कला वैदेशिक सी कला तत्सम डी कला तद्भव साहित्य कि प्रकार शब्द ना ऑप्शन सी हो राइट आंसर तत्सम साहित्य हूँ गोटे आम तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला चर ये जो चर धातु व्यवहार कराइवा उपसर्गयुक्त शब्दी बाछ ऑप्शन ए कला संस्कार बी कला संचार सी कला उपस्मार डी कला संस्थान चर धातु व्यवहार होती कौटना ऑप्शन बी हो राइट आंसर संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अति सुंदर अर्थ व्यक्त करुवा रूढ़ीटी बच्छ ऑप्शन ए कला खतगदार पद्म बी कला गोटे चावल गढ़ा सी कला गहम गोटी गणिता डी कला इतिश्री हवा अति सुंदर अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी कौन ना गोटे चावल गढ़ा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओट मुहर जीरा ये रूढ़ीर अर्थ कौन ऑप्शन ए कला बहुत आशायी को अल्पदान बी कला प्रभुत्व प्राप्ति सी कला कम आशायी को अधिक दान डी कहला संपूर्ण ओट मुहर जीरा मान हूँ बहुत आशायी को अल्पदान ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्दिष्टतावाचक विशेषण केते भाग विभक्त निर्दिष्टतावाचक विशेषण केते भाग विभक्त ऑप्शन ए कला दुई भाग बी कला तीन भाग सी कला चार भाग डी कला पांच भाग आंसर हो ऑप्शन नंबर ए दुई भाग ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निमग्न शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दी बाछ निमग्न शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दी कौन ऑप्शन ए कला समन बी कला अमनोयोगी सी कला सदय डी कला भासमान निमग्न शब्दर विपरीत शब्द कौन ना भासमान ऑप्शन डी हो राइट आंसर भासमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांडित्य शब्दी क्यों प्रक्रिय विशेषण रू विशेष्य पद हो पांडित्य शब्दी
କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ ପଦ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଲା ଉପପଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି, ବି କଲା କୃଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସି କଲା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଡି କଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ ପଦ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛା। ତାହେଲେ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଲା ମିଠେଇ, ବି କଲା କୁଲେଇ, ସି କଲା ସଫେଇ, ଡି କଲା ବଢ଼େଇ। ତାହେଲେ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ମିଠେଇ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମିଠେଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପିଲାଟିର ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ପଦ? ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଲା ବିଶେଷଣ, ବି କଲା କର୍ମ, ସି କଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଡି କଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ କହିଲା ଦ୍ୱାରପାଳ, ବି କହିଲା ସେନାପତି, ସି କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି କହିଲା କଟୁଆଳ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରପାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୱାରପାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତାହା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ନା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କହିଲା ନାହିଁ, ବି କହିଲା ହଁ, ସି କହିଲା କିନ୍ତୁ, ଡି କହିଲା ଓ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତାହା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।